बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आई, जहां सहारनपुर के विधायक नगर उनवल में प्रवास कर मांगा जन समर्थन। प्रवास पर आए हुए विधायक नगर पंचायत की गलियों और चौराहों पर घूमकर मांग रहे हैं जन समर्थन। गोरखपुर लोकसभा प्रत्याशी रविकिशन शुक्ला के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान चेयरमैन उनवल महेश कुमार दुबे, पूर्व चेयरमैन उमाशंकर साहनी, दिनेश साहनी, संतोष राम त्रिपाठी के साथ नगर के सभासद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र निम, विधायक सहारनपुर, विधानसभा रामपुर मनेरा। सर किस परिपेक्ष में आज नगर पंचायत उन्होंने गोरखपुर में आए हुए हैं आप? हम लोग लगातार, हमारा प्रवास चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताए, इसके लिए लगातार जो हमारा सामाजिक संस्था अभियान है उसके तहत हमें यहाँ पर लगे। सर कैसा माहौल पा रहे हैं भाजपा के पक्ष में? एक तरफा माहौल है, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। महाराज जी यहाँ पे हैं, कई बार के सांसद रहे, माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो ये ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाली सीट है। सर विपक्ष के लोग बार बार कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा और ये लोग गुमराह कर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? संविधान खतरे में, इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? अब विपक्ष के पास और तो कोई मुद्दा रहा नहीं, उनको कैसे सत्ता हासिल कर सकते हैं उसके लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे जिसका कोई आधार ही नहीं है, ऐसे बयान बार बार कर रहे हैं कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा, बाबा साहब के आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की समस्त जनता को ये निवेदन करता हूँ, ये आह्वान करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी है जो संविधान की रक्षा करती है, और जब बाबा साहब के सपने को साकार करने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो मोदी सरकार और योगी सरकार ने किया। लगातार बाबा साहब को सम्मान देने का काम कोई कर रहा है तो मोदी सरकार और योगी सरकार कर रही है। तो समाज को कुछ लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, समाज में जा रहा हूँ। समाज में जगह जगह पर जहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई भटकने का उनको कोशिश कर रहे हैं, उसको हम समझाने का काम कर रहे हैं, और लोग समझ भी रहे हैं, उनकी बातों में आने वाले नहीं है। स्पष्ट बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं रवि किशन जी, बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। सर जनता को आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे घूम घूम कर? जनता का हम, मैं यही मैसेज दूंगा कि सबसे पहले मतदान जरूरी है। आप अच्छी बातें कर लें, अच्छे विकास की बात कर लें, लेकिन जब तक कि आप मतदान पर जाकर मतदान नहीं कर लेते तब तक सारी चीज़ें झूठी हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है कि हम सबको पहले मतदान फिर जलपान। सभी से मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ निवेदन करता हूँ कि सभी लोग, क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही है, सभी लोग जब सुबह 6 बजे 7 बजे पोलिंग शुरू हो जाए जाकर लाइन में लगकर एक अच्छी सरकार के लिए पोल करने का काम करेंगे, और भारी बहुमत से यहाँ से हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद।